मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। गेट ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साइन इन विद गूगल और नीचे आई वुड लाइक टू यूज़ अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। तो आप अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस चूज कर सकते हैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करके। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और उसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो चलिए मैं यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद से आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपनी ईयर और मंथ चूज़ कर लेनी होगी। दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिसीव अपडेट्स ऑन व्हाट्सअप। तो अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सअप से ही जुड़ा हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे से आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, वी लेट यू यूज़ एनी बैंक अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग। तो आपको यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका बैंक आईसीआई में है तो आप आईसीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो आप उसे एनी अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है आईसीआई के अंदर ही है, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने दूंगा। और उसके बाद से सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो आपका बैंक अकाउंट है आपके नाम से ही होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे लिखा आ गया है, हाय प्लीज़ वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग आधार कार्ड एंड डिजी लॉकर। तो आपको अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कंसेंट देना होगा। कंसेंट देने के बाद से सिंपली प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप देख रहे होंगे हम डिजी लॉकर के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना होगा और अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। अलाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारी डिटेल आ गई है। यहाँ पे जो हमारा नाम है वो यहाँ पे शो हो गया है और यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है उसमें जो फर्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर है, वो यहाँ पे शो हो गया है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे से हो जाएगा, आपको सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा। एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे एक फिर से नया पेज आपको देखने को मिलेगा, हे चूज योर डीमैट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओपन न्यू आईसीआई डीमैट अकाउंट, यूज एग्जिस्टिंग आईसीआई डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास कोई अकाउंट पहले से आईसीआई का डीमैट अकाउंट, तो आप सेकंड ओके, लेट्स डू दिस, द फाइव डेबिट कार्ड, वो वो That is one good ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रेश आईसीआई पे डीमैट अकाउंट बना रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, हे ओपन ए न्यू आईसीआई डीमैट अकाउंट। आपको सिंपली एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर ऐसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू गेट अ फ्री स्टॉक। और यहाँ पे मैं फ्री में ETF वर्थ 200 रुपये का भी मिल चुका है स्टार्टिंग में ही, और उसके आगे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाले हैं और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। उसके अलावा आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आपको सिंपली यस पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले फादर नेम, जेंडर और योर मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल आपको सेलेक्ट करनी होगी।
एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करके आप अपना एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा हैज सेबी टेकन सम एक्शन अगेंस्ट यू इन द पास्ट, तो आपको नो पे ही रहने देना है। उसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनेंशियल डिटेल का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है योर ऑक्यूपेशन का, यानी आप क्या काम करते हैं, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा और जो भी आप काम करते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर एनुअल इनकम का, तो आपका एनुअल इनकम कितना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाउ डू यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट डिलीवरीज, तो आपको यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने देना है, ईमेल वाला ही। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर ऐसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे प्राइमरी सोर्स इनकम का क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा वुड यू लाइक टू ओटीपी फॉर एनी आवर स्पेशल ब्रोकरेज प्लान, तो आपको सिंपली नो आई विल ओटीपी लेटर और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिख के आ गया है वी विल नाउ वेरीफाई योर आइडेंटिटी वी हैव फोटो वेरिफिकेशन, तो आपको सिंपली करना क्या होगा आई एम यूजिंग मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप कैमरा, तो आपको सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन रहने देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करना होगा। अलाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे जो कैमरा है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। आपको जो अपनी फ़ोटो लेनी है गुड लाइटिंग के अंदर लेनी है और अपने चश्मे को नहीं लगाना है, कैप को नहीं लगाना है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से फ़ोटो लेनी होगी। उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना होगा, प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद से आपको फिर से अलाउ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो ले लेनी होगी। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर फ़ोटो ले ली है और फोटो हमारी यहाँ पर मैच हो गई है। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे तो लास्ट में कुछ इस तरह से एक पेज आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ द लास्ट स्टेप जस्ट ई साइन दिस एप्लीकेशन टेक्स अ फ्यू सेकेंड, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंसेंट देना होगा और आपको ई साइन करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको आई एक्सेप्ट एंड ई साइन पर क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख रहे होंगे हम NSDL के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं, रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपली कंसेंट देना होगा और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, देन आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और देन आपको सिंपली वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर लिख के आ गया है अर्न 750 फॉर एवरी फ्रेंड यू रेफर टू